कब मिलेगा ग्लोबल डिवाइसेस में मी 11 की अपडेट और कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, कैसे हम लोग अपने किसी भी डिवाइस में मी 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ग्लोबल में कब ये अपडेट हमें देखने को मिलेगी। गाइस, जब से हमें चाइना में मी 11 की बीटा रोम देखने को मिली है, तब से आप लोग मुझसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि हम लोग अपने ग्लोबल रोम में कैसे इसे इंस्टॉल करेंगे, बीटा रोम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बिल्कुल स्किप मत करना और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कब आपके डिवाइस में भी ये मी 11 की ग्लोबल स्टेबल रोम की अपडेट देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मी 11 की बीटा रोम देखने को मिल जा रही है चाइना में, लेकिन ग्लोबल में कोई भी बीटा रोम नहीं है, ना ही इंडिया में है और ना ही ग्लोबल में है। तो ग्लोबल या फिर इंडिया में हमें कोई भी अपडेट देखने को मिलेगी दोस्तों, वो स्टेबल में मिलेगी। स्टेबल में हमें मी 11 की अपडेट देखने को मिलेगी। तो आपके डिवाइस में कभी अपडेट देखने को मिलेगी, कैसे आप लोग इसे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पहले आप लोग वीडियो देख लेना, उसके बाद दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो चाहे पूछ सकते हैं, आपके सवालों में जवाब आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने फोन में मी 11 की बीटा रोम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी दो कंडीशन है। अगर दो कंडीशन को आप लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपके डिवाइस में मी 11 की बीटा रोम इंस्टॉल नहीं होगी, अगर आप लोग ग्लोबल रोम पे हैं या फिर चाइना रोम पे भी है। अगर आप लोग ग्लोबल रोम पे हैं दोस्तों, तो आपको चाइना रोम पे जाने के लिए आपके डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए और कस्टम रिकवरी फ्लैश होनी चाहिए। अगर कस्टम रिकवरी फ्लैश है तो आप लोग डायरेक्टली इंस्टेंट मी 11 की रिकवरी रोम को फ्लैश कर सकते हैं, और अगर आपके फोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ बूट लोडर अनलॉक है, तो आप लोग मी 10 की पब्लिक रोम को फास्ट बूट रोम से फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप लोग मी 10 की चाइना बीटा रोम पर रहेंगे और वीकली रोम रिलीज होगी, तो आप लोगों के सिस्टम अपडेट में यहाँ पे ओटी देखने को मिल जाएगी। ये दोस्तों हो गई है कि हर कंडीशन में आपके डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए, फिर भी दोस्तों आप लोग अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने डिवाइस में तो आप लोग मेरी वाली वीडियो को देख लेना। लेकिन दोस्तों मी 11 की बीटा रोम को इंस्टॉल करने से पहले मैं आप लोगों को वार्न कर दूं, अगर आप लोग अपने फोन में मी 11 की बीटा रोम को इंस्टॉल करते हैं और फिर आप लोग मी 10 पे वापस आना चाहते हैं, ग्लोबल रोम वापस आना चाहते हैं, दोस्तों मे बी उस केस में आपके फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तब आप लोग अगर मी 11 की बीटा रोम को इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके फोन में किसी भी तरह की कोई इशू आती है दोस्तों, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं रहूंगा या फिर कोई भी नहीं होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो आप लोग अपने ही मर्जी से अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, आपकी डिवाइस ब्रेक होती है तो यू आर दी ओनली 1% टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे कैसे अपने फोन में इंस्टॉल करना, तो इसी गाइड में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेंगे तो इसमें दोस्तों आप लोगों को मालूम चल जाएगा कैसे हम लोग अपने फोन में किसी भी Xiaomi की डिवाइस में मी 11 की बीटा रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और मी 11 की बीटा रोम में दोस्तों हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलती है, सबके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर मेरी आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, फीचर्स वाली वीडियो नहीं देखे हैं, इंस्टॉलेशन वाली वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप मेरी वो वीडियो को देख लेना और ये भी देख लेना किन किन डिवाइसेस को सपोर्ट करने वाली है मी 11 की अपडेट हमारे ग्लोबल रोम में भी। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कंपेयर कर दिखा देता हूं, तो यहां पे आप लोगों को चैनल रोम देखने को मिल जाती है, मैं यहां पर चैनल रोम को यूज कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आप लोगों को चैनल रोम देखने को मिल जाती है, रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में देख सकते हैं, और यहां राइट हैंड साइड में K20 प्रो में मैं ग्लोबल रोम को यूज कर रहा हूं। तो मैं सेटिंग में लेकर आप लोग यहां पर दिखा देता हूं, तो ग्लोबल रोम को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आइकन पैक की बात कर लेते हैं आप लोगों को, यहाँ पर सेम टू सेम आइकन पैक देखने को मिल जाती है। अगर एनिमेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन हमें काफी मस्त देखने को मिल जाती है, जो सेम एनिमेशन हमें मी 11 की डिवाइस में देखने को मिलती है, सेम एनिमेशन हमें इस सेटिंग में भी देखने को मिल जाती है, इस सेटअप में देखने को मिल जाती है। तो इसे मैंने अपने ग्लोबल डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया है, सेटअप किया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को आप रेडमी वाई 2 में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं रेडमी वाई 2 में मैं आप लोगों को यहाँ पर मी 11 देखने को मिल जाएगी। थीम वगैरह दोस्तों बात कर लेते हैं, आइकन्स वगैरह की बात कर लेते हैं, सेम टू सेम में आइकन्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सब कुछ सेम दोस्तों मिलती है। एनिमेशन की बात कर लेते हैं तो वही देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल रोम में अभी भी कोई भी मी 11 की अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है, और कब मिलेगी इसकी भी कोई अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई। लेकिन दोस्तों ग्लोबल रोम की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ग्लोबल रोम में हमें सिर्फ स्टेबल में अपडेट देखने को मिलेगी, और स्टेबल अपडेट दोस्तों हमें जिस तरह से दोस्तों हमें मी 10 की बीटा अपडेट मिली थी, कुछ बैचेस में देखने को मिली थी, उसी तरह से दोस्तों इस बार भी हम लोग को कुछ बैचेस में ही अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों पहले मी 10 की अपडेट में हमें ग्लोबल बीटा रोम में अपडेट देखने को मिली थी, बैचेस में देखने को मिली थी, लेकिन इस बार दोस्तों हमें स्टेबल में अपडेट देखने को मिलेगी और बैचेस में देखने को मिलेगी। बीटा अपडेट दोस्तों ग्लोबल रोम की बंद हो चुकी है, तो आप लोग बीटा का अपडेट मत करें। जैसा कि बीटा अपडेट एवरी वीक पहले मिला करती थी हम लोग को, हर मंडे को और थर्सडे को क्लोज बीटा आती थी, उसके बाद से फ्राइडे को हम लोग अपने फोन में वीकली अपडेट करते थे,
तो उस तरह से दोस्तों आप लोग वेट मत करें, उस तरह से हम लोग अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। स्टेबल में ही दोस्तों सिर्फ अपडेट देखने को मिलेगी। और स्टेबल अपडेट कब से हमें मिलनी स्टार्ट होगी, तो अब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर लिस्ट अगर दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट बैच के डिवाइसेस में लिस्ट आप लोगों को ये देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने बाकी दोस्तों ये ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं है कि इसी डिवाइस में अपडेट मिलेगी फर्स्ट बैच में या किस डिवाइस में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये सारे बैचेस की लिस्ट जो है वो मेरा ओपिनियन है। तो इन डिवाइस में दोस्तों सबसे पहले हमें MIUI 11 की अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमारा फ्लैगशिप डिवाइस आता है रेडमी K20 सीरीज। K20 पर दोस्तों हमारा फ्लैगशिप डिवाइस है, तो इस पे तो हमें सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगी। इसके बाद से दोस्तों ये लेटेस्ट डिवाइस भी है, तो इसमें पहले ही अपडेट मिलेगी। इसके बाद से दोस्तों हमें रेडमी नोट 7 सीरीज में दोस्तों हमें लेटेस्ट डिवाइसेस है, तो इस पे भी दोस्तों हम लोग को फर्स्ट बैच में इसे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों रेडमी नोट 5 काफी पॉपुलर डिवाइस है, रेडमी नोट 5 प्रो, तो हो सकता है दोस्तों इस डिवाइस को भी हमें पहली बैच में अपडेट देखने को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों पोको F1 और रेडमी नोट 6 प्रो, ये सब डिवाइसेस हमें लेटेस्ट डिवाइसेस इंडिया में देखने को मिलती है। और दोस्तों इससे जितने भी पुराने डिवाइसेस हैं लाइक रेडमी S2, Y2 और भी बहुत से डिवाइसेस हैं दोस्तों, उनमें हम लोगों को सेकंड बैच और थर्ड बैचेस में अपडेट देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों एज ऑफ नाउ आप लोगों को फर्स्ट बैच में ये डिवाइसेस देखने को मिल जाती है, और वो सभी डिवाइसेस जो हमें रिसेंटली लॉन्च होती हुई दिखेंगी उन सभी डिवाइसेस में पहले अपडेट देखने को मिलेगी MIUI 11 की। ग्लोबल स्टेबल में अपडेट मिलेगी दोस्तों, याद रहे ग्लोबल स्टेबल में बीटा में अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये अपडेट हमें कब से देखने को मिलेंगे, तो ये अपडेट ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर में हमें अपडेट देखने को मिल जाए, मिड ऑफ अक्टूबर हो, क्योंकि दोस्तों मिड ऑफ अक्टूबर में चैनलों में हमें अपडेट देखने को मिलेगी स्टेबल में। और दोस्तों जैसा कि रेडमी K20 की सीरीज में रेडमी K20 प्रो में हमें एंड्रॉइड क्यू की अपडेट भी सेम डे देखने को मिली थी, उसी दिन देखने को मिली थी जिस दिन गूगल ने ऑफिशियली रिलीज किया था, और उसी दिन चाइना में हमें अपडेट देखने को मिल गई थी। तो हो सकता है दोस्तों मिड ऑफ अक्टूबर में हमें इन सभी डिवाइसेस में स्टेबल में अपडेट देखने को मिल जाए, और वो भी चाइना डिवाइसेस के संग में ही हमें अपडेट देखने को मिले। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और कुछ पूछना हो दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।